दो मछली पानी में गई, हाँ तो देवियों और सज्जनों, आज हम आ गए हैं इस्लामाबाद रेंचर्स के ऊपर, सॉरी रेंचर्स के अंदर। तो आज मैं आपको खिलवाने वाला हूँ, बल्कि खुद खाने वाला हूँ ये बहुत ही मज़ेदार बर्गर, बीफ बर्गर, चीचा बुचर, आई डोंट नो किसे क्या कहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और ध्यान से देखिए इस खौफनाक और भूखे शख्स को, जो बर्गर खाना तो नहीं आता लेकिन फिर भी खाई जा रहा है। और बंदा इस्लामाबाद जाए और वो भी रेंचर्स पे जाए और वीडियो ना बनाए, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो चलते हैं इस खाने या इस बर्गर के रिव्यू की तरफ। तो इस टाइम पे हम लोग खड़े हैं रेंचर्स के ऊपर, रेंचर्स के ऊपर नीचे 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 बोनेट पे चढ़ जाता है सर, कहता है तो थोड़े इग्नोर करें। तो सर आपको रिव्यू देने का, क्या मैंने बर्गर खाया क्या? कौन चीचा? चीचा नहीं था, बुच्चा, बुच्चा, बुच्चा बर्गर खाया बुच्चा। और इट वाज वेरी हैवी, इट वाज वेरी हैवी नहीं था, तकरीबन 500 ग्राम का आपके है, 500 ग्राम का आपके है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा डाइट के हवाले से बहुत ज्यादा हैवी इसमें इंग्रेडिएंट्स थे, उसमें बीफ बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट था। अच्छा वैर आप क्या बोलना चाहेंगे, मानी आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी अगर आती है इस्लामाबाद वो जरूर रेंजर्स पे है, हमें कोई इंडोर्समेंट वगैरह नहीं मिली रेंजर्स की तरफ से, लेकिन जरूर है, एकदम आके चेक करें, बहुत मजे का है। ठीक है, आप लोग बर्गर खाएंगे, आप लोगों से बर्गर पूरा खा ही नहीं जाएगा, आई गारंटी। हमने खा लिया था, हालांकि हम यहाँ के नहीं है, बट हम कहीं बस बहुत दूर से नाम सुन के आए थे कि रेंचर्स बहुत ज्यादा अच्छा इनका जो है वो है, तो इस वजह से। और मुंह खोलने के प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि बर्गर थोड़ा बड़ा होता है, तो आ करके आ करके आ करके वीडियो बना रहा है, उससे नहीं खाया गया था, वो इतना बड़ा मुंह करना पड़ता है। अभी हमसे की आपको वीडियो शेयर करूंगा, वो करके बर्गर खाना पड़ता है, हमने बनाई नहीं है, कैसे मेरे पास है, बहुत मुश्किल है वो बर्गर खाना, कम से कम प्रैक्टिस करके आइएगा और ये भूल जाइएगा आपको पीछे कोई देख रहा है। और आपने दिन में टेस्ट करना, टेस्ट करना, आखिर मेरा आपका इज्जत रहूंगा, ये आपकी जगह बड़ी होनी चाहिए। इमरान खान जिंदाबाद। अब कह दिया, अब सांसें चले